अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 155, मेरे लिए लकी। सुजॉय के हाथ लगातार लैला के पीठ और उसके सिर को सहलाए जा रहे थे। उसने लैला को एक बार भी चुप कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त लैला जितना रोकर अपनी भड़ास निकाल लेगी, उसका मन उतना ही हल्का हो जाएगा। काफी देर रो लेने के बाद लैला को यह एहसास हुआ कि वो सुजॉय के कंधे से लगी है, और ये ख्याल आते ही उसने तेजी से खुद को उससे दूर किया। फिर अपनी आंखें साफ करती हुई बोली, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, कहकर वो किचन की तरफ जाने को हुई। लेकिन ठीक उसी पल सुजॉय ने उसका हाथ थामकर उसे जाने से रोक लिया और धीमे से उसका नाम पुकारा, लैला। सीरी हुई सी लैला एकदम से ठिठक गई। फिर सुजॉय ने उसके ठीक सामने आकर उसकी ठोड़ी पर अपनी उंगलियां टिकाते हुए उसका चेहरा कुछ ऊपर किया। तुम्हारे रोकर जी हल्का कर लेने को सिर्फ कांधा ही अवेलेबल नहीं है मेरा, मैं पूरा का पूरा हासिल हूं तुम्हें। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे इन आंसुओं की वजह बता सको। सुजॉय ने जिस अंदाज में अपने आप को सौंपते हुए लैला पर अपना हक जताया था, वो उसके लिए काफी हैरान कर देने वाला था। लैला का दिल चाहा कि उसकी इस बात पर अपना सारा दिल उढ़ेल कर सुजॉय के सामने रख दे। उसने एक हल्की सी सिसकी ली और कहा, मैं एक अजीब से दोराहे पर हूं सुजॉय, बेहद अजीब से। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। सुजॉय को ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम लैला ने इस बारे में मुंह तो खोला, इसीलिए उसने फिर से एक बार लैला का हाथ थामा और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, आओ इधर इधर बैठ। फिर खुद भी उसके पास बैठता हुआ बोला, अब बताओ पूरी बात मुझे, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुमने रो रो कर अपना ये हाल कर लिया है। लैला ने एक बार फिर हथेलियों से अपनी आंखें रगड़ी और कहना शुरू किया, कबीर सर चाहते हैं कि मैं सहगल की फिल्म में काम करूं। सहगल का नाम सुनते ही सुजॉय भी चौंक सा गया, उसके मुंह से बरबस ही निकला, सहगल की फिल्म में? लेकिन कबीर ने तो पिछले 2 सालों से खुद उसका बॉयकॉट कर रखा है। हाँ, लेकिन इस बार स्क्रिप्ट कुछ ऐसी है कि कबीर सर खुद भी उस फिल्म में काम कर रहे हैं, लैला ने बताया तो सुजॉय ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा फिर? और दूसरी तरफ माया की फिल्म में नरेन? लैला ने एक रौ में बहकर कह तो दिया, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से नरेन का नाम निकला तो वो खुद ही जैसे कॉन्शियस सी हो गई और एकदम से खामोश हो गई। सुजॉय ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, माया की फिल्म में नरेन तो उसका क्या? सुजॉय का सवाल सुनकर लैला ने कुछ सहम कर मन ही मन में खुद को डांटा, हे भगवान ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, अब मैं इन्हें क्या एक्सप्लेन करूंगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। सुजॉय ने अगला सवाल किया, नरेन से कोई इशू है तुम्हें? लैला ने जल्दी से इनकार में सिर हिलाते हुए कहा। उसका दिमाग तेजी से अब मन ही मन सोच में लग गया था कि सुजॉय को क्या जवाब दे। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी अंदर से मारिया निकल कर आई और सुजॉय के ठीक सामने कॉफी की ट्रे रखते हुए बोली, अब जब आप लोग नहीं ही जा रहे हैं तो कॉफी तो बनती है। इस वक्त लैला को मारिया किसी फरिश्ते जैसी महसूस हुई, जिसने उसे सुजॉय के सवालों से बचा लिया था। जबकि सुजॉय ने एक मग उठाते हुए कहा, ओ थैंक्स मारिया, अभी इसकी बेहद जरूरत महसूस हो रही थी। तभी मारिया ने लैला से कहा, अब अगर आप ड्राइविंग के लिए नहीं गई है तो बेहतर है यूनियन के ऑफिस हो आइए, डेविड अंकल का कल रात ही कॉल आया था, एक हफ्ता हो गया है तो हंसराज से मिलने जाना है, क्योंकि हमने जो उसे एक हफ्ते का वक्त दिया था ना वो पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई और स्टेप लेने की कोई खबर नहीं आई है। सुजॉय ने उनकी बात को गौर से सुनते हुए कहा, अब ये क्या मामला है? सुजॉय को इसमें इंटरेस्ट लेता देखकर लैला ने सुकून की सांस ली, अब कम से कम वो फिलहाल नरेन के बारे में कुछ नहीं ही पूछता। जब तक मारिया उसे बता रही थी तब तक लैला अपने आप को काफी संभाल चुकी थी। कुछ देर ठहर कर सुजॉय वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ,
लैला उसे दरवाजे तक छोड़ने आई तो उसने कुछ ठिठकते हुए कहा, देखो लैला, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा नरेन से क्या इशू है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये मूवी सुहाना के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होगी, इसीलिए मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये फिल्म करने के लिए राजी हो जाओ। लैला जिस बात से डर रही थी, आखिर जाते जाते सुजोय ने उसका जिक्र छेड़ ही दिया। लैला खामोशी से नजरें झुकाए हुए खड़ी थी। सुजोय ने आगे कहा, एक बात बताए लैला, जब तुमने हमारी जिंदगी में कदम रखा था ना, उस वक्त सुजोय मोशंस बैंक्रप्सी के आखिरी मुहाने पर खड़ा था, फिर तुम हमारी जिंदगी में आई और जैसे एकदम से हमारी जिंदगी में जैसे सब कुछ संभल सा गया, फिर तुम मेरी पहली फिल्म का हिस्सा भी बनी, वो भी ऐसे ही कामयाब हुई थी, फिर पिछले 2 सालों से बिछड़ी हुई मेरी बहन को दोबारा मिलाने की वजह भी तुम ही बनी, अब इत्तेफाक से सुहाना की फिल्म भी बन रही है, इसीलिए मेरा दिल चाहता है कि तुम यहां भी हमारे साथ बनी रहो। काश मैं तुम्हें बता सकता कि तुम्हारा हमारे साथ होना मुझे कितना लकी सा फील करवाता है। कहकर सुजोय ने एक गहरी सांस ली और एक भरपूर नजर लैला के चेहरे पर डाली। लैला आंखों में हैरानी के भाव लिए उसे ही तके जा रही थी। कितना कुछ है सुजोय साहब के मन में मुझे लेकर, और मुझे लगता रहा कि ये मुझसे नफरत करते हैं। सुजोय ने उसे अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ पाया तो धीरे से बोला, मैंने इतनी बातें कही लैला, तुम कुछ भी नहीं कहोगी। लैला ने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि सुहाना की फिल्म साइन कर लूं। सुजोय ने आंखों में दुनिया जहान का प्यार भरकर कहा, थैंक यू सो मच। और फिर सुजोय वहां से चला गया, पीछे लैला को ढेरों ख्यालों में उलझा कर। जाते जाते उसने लैला को इतना ऊंचा मकाम दे दिया था कि लैला अब चाहकर भी सुहाना की फिल्म से इनकार नहीं कर सकती थी। नरेन सुबह सेट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। अम्मा उसे बलिहारी जाती नजरों से देख रही थी। तभी नरेन ने उनके पास आकर प्यार से कहा, अम्मा अपने नंदू को कहो ना कि तुम सामने से मुझे काम करते देखना चाहती हो, मैं आप दोनों को सेट पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ सीरियल बनते हैं। अम्मा ने प्यार से उसकी बलाएं लेते हुए कहा, मैं जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी, बस आज तू जा, मैं आज नंदू से बात करती हूँ, फिर हम लोग कल चलते हैं। पक्का ना? नरेन ने उनके सामने हथेली फैलाई तो जवाब में अम्मा ने भी उसकी हथेली पर अपना हाथ रखते हुए कहा, पक्का। कुछ ही देर में नरेन चला गया तो नंदराय ने अम्मा से पूछा, ये दादी पोते में किस बात को लेकर कच्चा पक्का चल रहा था? अम्मा जवाब में मुस्कुराकर रह गई थी बस। नंदराय ने गौर से उसका चेहरा देखा, उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो यहाँ आकर कितनी खुश थी। सिर्फ कल से आज तक में अम्मा की तबीयत इतनी बहाल लग रही है, इतने महीनों में तो अम्मा के चेहरे की खुशी ही भूल गया था। उसने अम्मा के पास बैठते हुए फिर पूछा, क्या कहकर गया है लाडला तुम्हारा? तब अम्मा ने कहा, लाडले ने नहीं कहा है, बल्कि मैं ही कह रही थी उसे, उसका काम देखने जाना है मुझे, फिर सोचा कि तुझसे पहले पूछ लूं। नंदराय ने कुछ झुंझुलाते हुए कहा, अम्मा तू अच्छे से जानती है ना मुझे ये सब गंदगी नहीं पसंद, और अगर वहां जाकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, कुछ बोल बोल दिया, तो फिर तेरा लाडला कई पिछली बार की तरह सब रिश्ते नाते तोड़ कर ना बैठ जाए, इसीलिए मुझे तो इन सब झमेलों से दूर ही रखो। अम्मा कुछ बुझ सी गई, तब नंदराय ने उसे मनाते हुए कहा, अरे अम्मा बात बात पर यूं मन उदास ना किया कर, मैं नहीं जा रहा लेकिन मैं तुझे नहीं रोकूंगा, तू चली जाना कल। इतना सुनते ही अम्मा पहले की तरह खिल सी गई। लैला जब यूनियन के ऑफिस के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी माया का कॉल आया। हेलो लैला, माया बोल रही हूँ। माया की आवाज सुनकर लैला कुछ परेशान सी हो गई। उसने धीरे से कहा, हाँ माया बोले। तब माया ने कहा, कुछ सोचा तुमने, शूटिंग डेट्स क्लियर हुई तुम्हारी क्या? लैला ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ माया मैं ये फिल्म कर रही हूँ।
ये सुनते ही माया के लहजे में खनक सी उतर आई थी। उसने जल्दी से कहा, वाओ दैट्स ग्रेट, ठीक है फिर। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कल यहाँ सेट पर मिलते हैं बाकी के क्रू मेंबर्स से एक फॉर्मल इंटरेक्शन के लिए। लंच भी साथ ही में करेंगे सब। तुम आ रही हो ना? लैला ने धीरे से कहा, हाँ मैं पहुंच जाऊंगी। कहकर लैला ने फोन रख दिया। लेकिन फोन रखते ही उसे एक बार फिर से कई ख्यालों ने आ घेरा। तुझे एहसान भी है लैला, तूने उस फिल्म में काम करने के लिए हाँ किया है जिसका हीरो नरेन है। और अब तो सिर्फ नरेन नहीं है, अम्मा और नंजी भी उसके पास आ चुके हैं। बस एक पल भर की देर है और वो लोग तुझे पहचान लेंगे। उसके बाद सोचा है क्या होगा? लैला जैसे मन से आती इन आवाजों से परेशान सी हो गई। उसने जैसे खुद को डांटते हुए कहा, आज मैं जहां पर भी हूँ वो पाहुजा परिवार की ही तो देन है। अब उनके इतने एहसान के बाद भी अगर मैं अपने इश्यूज की वजह से सुहाना की फिल्म करने के लिए मना कर दूं तो एहसान फरामोशी नहीं होगी। नंजी का घर छोड़ने के बाद से मैंने कैसे कैसे हालात का सामना नहीं किया, क्या उन सबके बाद भी अब मुझे किसी हालात से डरने की जरूरत है? जो कुछ भी पिछले साल से अब तक होता आया है क्या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है? लैला ये सोचकर कुछ रिलैक्स ही हो गई थी। अगले दिन नरेन अम्मा के साथ घर से सेट पर जाने के लिए निकल रहा था। नंदराय मुंह बनाए हुए वहीं हॉल में ही बैठा हुआ था। तभी नरेन ने मेन डोर खोलने से पहले ठिठक कर कहा, बापू आप भी चलो ना, मुझे अच्छा लगेगा। नरेन का ये कहना था कि नंदराय ने गुस्से भरी नजर से उसे देखा। नरेन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज बाबू मेरे लिए। न जाने नरेन के उस लहजे में क्या था कि नंदराय ने सोफे से उठते हुए रौबदार आवाज में कहा, ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ। नंदराय का ये कहना था कि नरेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे दोनों जहान की खुशियां मिल गई हों। नंदराय ने अपना कुछ सामान लिया और फिर तीनों सेट के लिए निकल गए। लैला यूनियन के ऑफिस पहुंचकर डेविड और बाकी लोगों से मिल रही थी। तब डेविड ने उसे बताया, मैंने हंसराज साहब को एक रिमाइंडर लेटर भिजवा दिया था लेकिन उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। लैला ने पूरी बात सुनकर कहा, ये यूनियन है इसीलिए मैं चाहूंगी कि हम किसी भी इशू पर कोई भी स्टेप उठाएं तो उसमें हम सबका मशवरा शामिल हो, इसीलिए हम ये डिस्कस करेंगे साथ में कि हमें क्या करना चाहिए। लैला का इतना कहना था कि वहां मौजूद सभी लोगों ने उसके लिए जोरदार तालियां बजाई। लैला ने उन लोगों को शांत करते हुए कहा, तो मुद्दे की बात यह है कि हम प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जाएंगे, वहां प्रॉपरली हंसराज के अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज करवाएंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। सब इस बात पर राजी हो गए तो मीटिंग खत्म कर दी गई। लेकिन सबके जाते ही डेविड ने कुछ फिक्रमंदी भरे लहजे में कहा, ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन आपको पता है कि बावजूद इसके कि अपनी बात रखने का यही लीगल रास्ता है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं कर सकते। लैला ने डेविड की बातें सुनकर अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहा, इस बात का यहाँ पर क्या मतलब है अंकल? डेविड ने कुछ हिचकिचाते हुए जवाब दिया, देखो बेटा मैं जानता हूँ कि यूनियन का एम्प्लॉय हूँ तो मुझे इसकी बेहतरी के लिए सोचना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए, लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ आपका बुरा होते हुए नहीं देख सकता। आप अभी इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हो इसीलिए आपको नहीं पता कि यहाँ अलग अलग एसोसिएशन की लॉबी चलती है। अगर हंसराज ने लोगों को अपनी तरफ कर लिया तो फिर इंडस्ट्री में आपको कोई एक ढीले का काम नहीं देगा। आपके इस एक स्टेप पर आपका पूरा करियर दांव पर लगा हुआ है, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ भी करें सोच समझ कर करें। क्या डेविड के अंदेशे से डर कर लैला हंसराज के खिलाफ कंप्लेन करने का इरादा छोड़ देगी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।